हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं हुंडई 370 का फुल रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान लीजिएगा हुंडई 370 के बारे में, मतलब क्या क्या चीज़ कितना मतलब जो चीज़ में जानकारी है। हुंडई 370 यहां पर लगा हुआ है, इसका ही मैं फुल रिव्यू करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर आने वाले नोटिफिकेशन हम आपके पास जरूर पहुँचाएँ। दोस्तों ये रहा आपका हुंडई 370। दोस्तों ये तो पुराना हो गया है और इसका मैं थोड़ा सा फुल रिव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों जो आप चैन का जानकारी देता हूँ, दोस्तों इसे जो इसमें रूलर लगा हुआ है आपका, जो दोस्तों इसमें 9 रूलर लगा हुआ है और 2 चैन गार्ड लगा हुआ है और 2 टॉप रूलर लगा हुआ है। ये जो रूलर है आपको कहीं बड़ा मिलेगा, यानी कि जो एक्सेवेटर 315, 210, 205 जो आता है उससे ये जो रोलर है ये बड़ा है, क्योंकि मशीन भी बड़ा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो चैन प्लेट आता है ये एक साइड में आपका 51 चैन प्लेट इसमें आता है, ठीक है। और दोस्तों बात करें बुकेट का, तो बुकेट जो इसमें लगता है आपका 2.10 M3 का इसमें जो है बुकेट इसमें लग जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो इसका ऑपरेटिंग वेट है 33,800 kg ऑपरेटिंग इसका वेट है। और दोस्तों बात कर ले इसका इंजन पावर का, तो दोस्तों जो इसका इंजन पावर है आपका 265 HP का है और 2000 RPM इसमें पावर प्रदान करता है। और दोस्तों जो इसके बारे में बता दूँ आपको कि ये माइनिंग वाइनिंग के लिए बनाया गया है, जैसे आपको बड़ा है बाहर फुल तो इसी से फुल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी या आयरन या कुछ भी जो आप लोड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उठाकर लोड कर सके जिसमें पावर ज़्यादा हो। दोस्तों इसके चलाने के लिए तो पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। और दोस्तों आप एक्सेवेटर चलाते हैं तो ये भी आप चला सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा ये चलाना, चाहे आपका 215 या 205 या 220 आप लोग चलाते हैं वो ऑपरेटर भी ये 270 चला सकता है। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं, आप सीखे होंगे तो ये भी आप चला सकते हैं, कहीं भी मिले तो आप बिंदास इसको चलाइएगा तो ज़्यादा पावर मिलेगा। तो जैसे आप लोग का छोटा पावर मिलता है तो कम आपको ये होता है, इसमें पावर ज़्यादा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज और दोस्तों इसके बता दें जो इसमें इंजन जो इंजन ऑयल लगता है वो आप 25 लीटर इंजन ऑयल लगता है। और दोस्तों डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर या भाई और जो भी फिल्टर है आपको 500 घंटा के अंदर में आपको चेंज करना पड़ता है। और दोस्तों जो इंजन कूलेंट लगता है इसमें 45 लीटर इसमें इंजन कूलेंट लगता है। दोस्तों बैटरी की बात कर लें, 2 बैटरी इसमें लगा हुआ है 12-12 वोल्ट का, ठीक है, यानी 24 वोल्ट इसको चाहिए स्टार्ट करने के लिए। और दोस्तों जो इसका हाइड्रोलिक टैंक है 239 लीटर का है और पूरा जो हाइड्रोलिक लगता है 345 लीटर पूरा हाइड्रोलिक इसमें लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एक्सेलेरेटर का जानकारी लाऊंगा। तो वीडियो को मेरा ऐसे प्यार देते रहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।